गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 8 बजे है, हम उठ के हैं। वानु वानु ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको आराम नहीं हुआ है, इसको फीवर है, तो मैं अभी इसको मैं इसको अभी दवाइयाँ दे दूँगी इसकी सारी, फिर ये थोड़ी देर सो जाएगी, उसके बाद फिर हम ब्लॉग में आगे बढ़ेंगे। हेलो गाइज, ये देखिए मैं दही से लस्सी बनाऊंगी अभी। ये बहुत अभी भरी हुई है, इसको मैश कर करके माल्ट करना पड़ेगा। सुबह हम उठ गए थे, चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, तो अभी मैं लस्सी बना के रख देती हूँ ताकि दूध खाने के साथ सब ले लेंगे। ये पूरा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें इतना कितना घी बन के ऊपर आ गया है। अभी मैं इसमें आइस डालूंगी तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। और हाँ, घी इसमें इसलिए निकला है क्योंकि ये मलाई थी 1 वीक की, जिसमें मैंने थोड़ा ही दूध ऐड करके इसे जमा दिया था दही के लिए, तो इसका हम इस घी को हम लोनी घी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पिघला के देसी घी वैसे भी बना सकते हैं और लस्सी हमारी यूज हो जाएगी। इसका एक तरीका नॉर्मली मलाई को वैसे ही फेंट के भी बनता है, बट वो हमारी लस्सी वेस्ट हो जाती है और उस घी में लोनी घी वाला भी मतलब स्वाद नहीं आता, खटास नहीं रहती है। ये बर्तन छोटा पड़ रहा था तो मैं इसको अब इस बड़े बर्तन में पलट दूंगी ताकि घी आसानी से निकल के आ जाए। अब इसे इसमें से घी निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि वो बहुत भरा हुआ था, तो सही से मेरा घी निकल के नहीं आ रहा था। अभी इसमें मैं कुछ आइस क्यूब ऐड करूंगी तो वो इस फ्रिज होके घी आसानी से निकल आएगा। हेलो गाइस, अभी मैं नहा चुकी हूँ, मैंने ये वूलन कुर्ती आज वेयर की है। अभी मैं नहा के आ गई थी तो ठाकुर जी को नहला दिया, देखिए ठाकुर जी का कितना अच्छा श्रृंगार हुआ है। यहाँ मैं देख इसमें इसको मैंने किया तो देखा कि इसमें घी अलग नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें आइस की ज़रूरत होती है, आइस क्यूब की, और आइस क्यूब मेरे पास थे नहीं। गाइस, तो अभी मैं अपने ट्यूशन का काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अगर आपका भी होमवर्क नहीं हुआ है तो आप भी कर लो। ये देखिए इसमें ना मक्खन को अलग करने के लिए आइस की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास थी नहीं तो इसलिए मैंने इसको 15 मिनट फ्रीजर में रख के छोड़ा है। तो ये देखिए मक्खन अलग निकल के आ गया है, इसको लोनी घी भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो मक्खन बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो कमेंट में करके बताएं। ये देखिए ये एक हफ्ते की मलाई से इतना सारा मक्खन निकल के तैयार हो गया है, जिसको हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं रॉ, और इसको पका के हम देसी घी भी बना सकते हैं। ये 1 वीक की मलाई थी और ये पूरा भर के निकल गया है, और ये लस्सी, इस लस्सी को हम ऐसे ही पी सकते हैं क्योंकि मैंने ये दही जमा के फिर बनाया है, इसका टेस्ट अच्छा है, और नहीं तो हम इसको कढ़ी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। ये
इसको हम मिक्सी में करके भी कर सकते थे, बट मैंने ये ये मैंने इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है। वैसे ये इजीली मिक्सी में ग्राइंड करके भी हो जाता है, बट मुझे थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ें पसंद हैं, मैं जल्दी से बोर नहीं होती हूँ। हेलो गाइस, आज हमने सुबह कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि सुबह के टाइम में बिजी थी, तो अभी थोड़ा सा मैं इवनिंग करके आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आलू भुजिया बना रही हूँ, किसी बच्चे का खाने का मन हुआ, सिंपल सी बस। हम तो आलू भुजिया बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं, खट्टी का अलग तरीका होता है, हम तो बहुत सिंपल बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं कमेंट में करके बताएं प्लीज। और कुछ मिट्टी डालू भी क्योंकि बच्चे सिंपल ही खाना खाते हैं। बस अभी ये बेसिक सी बेसिक मसाले डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी। ये देखिए पपाया, ये मैं कट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद है। ये मैं माही और परी को बहुत पसंद है। परी मतलब प्रेयसी, इसको घर प्रेयसी को हम घर में परी बोलते हैं। ये परी सिर्फ पापा की परी नहीं है, ये हम सबकी परी है, तो इसलिए कोई मजाक नहीं बनाएगा। अभी चालू नहीं थे। ये देखिए परी से सब्र नहीं हो रहा है, वो मिलने के पहले ही खा रही है। ये देखिए ये बनके भुजिया रेडी हो गई है। अब इसमें ये कोरिएंडर लीव ऐड कर दूंगी। बस ये आप पूरी और पराठे के साथ खा सकते हैं। इवनिंग का टाइम है, मैं तो इसलिए रोटी ही बनाऊंगी क्योंकि हमें ऑयली चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। यहाँ प्रियसी डांस कर रही है, इसको डांस का बहुत ही शौक है। आजकल सभी बच्चों को डांस करने का बहुत शौक होता है। नंदनी यहाँ पे डिनर कर रही है, हम सब का डिनर हो चुका है, बस बच्चों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, तभी प्रेयसी को डांस करने का आइडिया आया। बस आज का दिन ऐसे ही बच्चों के साथ हंसते खेलते निकल गया। सही मायने में बच्चे ही घर की रौनक होते हैं, इन्हीं से अच्छा टाइम पास होता है हम लेडीज का।
खासकर हाउसवाइफ्स का। ये देखिए, ये सोई हुई थी बट अब मुझे अभी अभी पता चला है मैम उठ गई है। ये भी दीदी का डांस और टीवी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे माही और कौरांसी का डांस चल रहा है। ये देखिए, ऐसा डांस तो आपने शायद ही देखा होगा। ये देखिए, रात को 11:30 बजे हैं और ये मैडम सोने का नाम ही नहीं ले रही है। जिनके भी छोटे छोटे बेबीज हैं वो कमेंट में बताएं कि उनके बेबीज कितने बजे सोते हैं। देखो, साथ में बातें भी करनी है, उठ के भागने की तैयारी है इनकी। ये देखिए,